दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रेल रिव्यू में। दोस्तों, आज हम जो रेलवे की वैकेंसी आई है RRB CMA की CN 3/2024 की केमिकल एंड मेट्रोलॉजी असिस्टेंट की, उसकी जो प्रिपरेशन है वो कैसे करनी है, CBT 1 और CBT 2 की, इसमें उसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो मैक्सिमम स्टूडेंट का जो सवाल है कि CBT 2 की तैयारी कैसे करें या कहाँ से करें, तो इस जो टॉपिक है इस पर भी अपन विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो CBT 1 है उसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न वो देख लेते हैं। तो उसमें जो मैथमेटिक्स है उससे क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। उसके बाद रीजनिंग है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर के आएंगे। उसके बाद GK है, उसके 15 नंबर के और 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जनरल साइंस है, उसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। इस तरह आपका जो टोटल टाइमिंग, टोटल क्वेश्चन रहेगा वो 100 रहेगा, और जो टोटल नंबर रहेंगे वो भी 100 रहेंगे, और टाइमिंग आपकी 90 मिनट रहेगी। तो ये आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। तो इसमें अब हमको जो मेन चीज़ फोकस है वो क्या करना है, तो इसमें एक तो आपका मेन फोकस रहना चाहिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साइंस। अगर तीन पोर्शन पे आपका अच्छी खासी पकड़ है तो आप CBT 1 में क्वालिफाई आसानी से कर जाओगे। GK में अगर आपकी थोड़ी बहुत वीक भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये तीन पोर्शन है वो आपके वीक नहीं होने चाहिए। अगर ये वीक है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद जो जनरल साइंस है, इसमें जो बोला गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस यानी बायोलॉजी। तो इसमें जो मैक्सिमम अभी तक का जो पैटर्न देखा गया है उसमें ये है कि जो इसमें जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, इसमें से कम ये मान के चलो आप 20 से 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे। उसके बाद जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो आपके बायोलॉजी से आएंगे, बस इतने ही बायोलॉजी से आते हैं, बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। तो जनरल साइंस अब ये आपको पढ़ना कैसे है, इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन है 30 नंबर के, तो आपके कम से कम 25 प्लस और 25 से 28 नंबर आपके मैथ में आसानी से आ सकते हैं, और इतने कम से कम आने चाहिए अगर आपको CBT 1 में क्वालिफाई होना है। तो आपको मैथ कैसे पढ़नी है कि आपके 25 से 28 नंबर आसानी से आ जाए, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का मैं लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से देख सकते हो। अगर आप उस तरह मैथ की प्रिपरेशन करोगे तो आपके, मैं 100% कह सकता हूँ, आपके 28 के 30 नंबर आ जाएंगे आसानी से, वो भी। उसके बाद रीजनिंग को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो रीजनिंग सफिशियंट है, प्रैक्टिस सेट से आपकी रीजनिंग हो जाएगी और जिसमें आपके आसानी से नंबर आ जाएंगे रीजनिंग में। मतलब बहुत पढ़ने की या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप बस प्रैक्टिस सेट लगाइए, प्रैक्टिस सेट से आपकी रीजनिंग अच्छी खासी हो जाती है। उसके बाद हम बात करें GK की, तो GK में आपको जो क्या चीज़ मेन, जो आजकल जो रेलवे का पैटर्न है उसमें क्या क्वेश्चन आते हैं, एक तो करंट आती है, एक स्टैटिक GK और एक पॉलिटिकल साइंस। इन तीन चीज़ों से जो मेजर क्वेश्चन है वो तीनों से आ जाएंगे आपके। जैसे अगर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो लगभग 12 से 13 क्वेश्चन इन तीनों पोर्शन से आपके आ जाएंगे। तो अगर आप इतने भी क्वेश्चन कर लेंगे तो वो काफ़ी है। तो जो आपको करंट पढ़नी है वो करंट आपको कम से कम 6 महीने की, जिस वक्त आपकी एग्ज़ाम होगी उससे जो लास्ट 6 मंथ है उसकी करंट तो आपकी कंठस्थ होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप और प्रिपेयर कर सकते हो तो करंट लगभग 1 साल की कर लेना। तो करंट जो मेन रोल है GK में वो करंट का है, और करंट की बात करें तो अगर आप करंट के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, 15 रुपये की बुक आती है, हर मंथली बुक आती है, अगर आप उसको लाएंगे, उसको ला के उसमें से जो नोट्स बनाएंगे और उसके बाद उन नोट्सों को अगर तैयार करेंगे तो आपकी करंट में ये उससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपको इधर उधर से कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी लाइए, उसमें से नोट्स बनाइए, नोट्स बना के अब 1 मंथ में लगभग आपके 100 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं करंट के। तो उन 100 को एक आप रजिस्टर बनाइए, उसमें लिखिए और उसको रिवाइज करिए। तो कम से कम आपकी 6 मंथ की तो करंट होनी ही चाहिए। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो 1 ईयर, लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा के करंट के क्वेश्चन नहीं आते। और उसमें जो
जैसे ओलंपिक गेम्स है, ये गेम्स से रिलेटेड, अवार्ड से रिलेटेड, बुक्स से रिलेटेड, ये सब क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आपकी जो स्टैटिक जीके है, जो मैक्सिमम पोर्शन है आजकल जो पैटर्न आ रहा है उसमें स्टैटिक जीके का ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे जो अपन के क्या नाम है नदी है, कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो ये कौन सा, और जो है खेल से रिलेटेड, ये जो ये बर्ड है वो किस खेल से रिलेटेड है, ये जो खिलाड़ी है वो किस किस खेल से रिलेटेड है, ये जो म्यूजिशियन है वो किस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को बजाता है, या ये जो किस डांस से रिलेटेड है, कौन सा डांस है, ये सब चीज़ें हैं जो आपकी स्टैटिक जीके में आएगी। जिसको आप अगर आपको एक तो लूसेंट है, लूसेंट में आसानी से स्टैटिक जीके मिल जाती है, उसके बाद आप बाहर से कहीं से भी देख सकते हो, तो एक स्टैटिक जीके तो करंट होगी, उसके बाद स्टैटिक जीके, और इसके बाद आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस से ये जो नोटिस करेंगे आप, तो देखेंगे कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से पॉलिटिकल साइंस से आपको मिल जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन बनाना है वो आसान है। तो बस आपको जीके में ये सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम ये 3 चीज़ें अगर आपकी है तो आपकी जीके में अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आप बात करें साइंस की, तो साइंस में सबसे पहले आप पढ़िए लूसेंट। लूसेंट को एकदम गहराई से पढ़ोगे तो उसमें लगभग क्वेश्चन, कुछ एक क्वेश्चन बाहर से बनेंगे, जो अभी पैटर्न आ रहा है उसमें थोड़ा बाहर से आने लगे। तो लूसेंट पढ़ लीजिए साइंस के लिए। उसके बाद 9th और 10th की जो NCERT है अगर आप पढ़ लेंगे, तो जो CVT 1 में जो साइंस के 30 क्वेश्चन आएंगे ना, इससे एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। एक तो लूसेंट और एक 9th और 10th, इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पर ज़्यादा जोर देना है, उसके बाद थोड़ा बहुत बायो देख लेना है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पर आपको फुल जोर देना है। क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आए थे वो 10th की जो बुक थी उसमें जो रिएक्शन वाला चैप्टर था, तो उसमें डायरेक्ट ही रिएक्शन उठा के डाल दी, बोले ये रिएक्शन कौन सी है, इसका क्या नाम है, ये सब चीज़ें हैं, तो वो 10th की बुक में से डायरेक्ट ही आई थी। तो आप लूसेंट और 9th और 10th की साइंस के लिए पढ़ सकते हो। तो आप इस तरह अगर प्रिपरेशन करोगे CVT 1 की, तो आपके लगभग 85 आराम से नंबर आ जाएंगे। और जो हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो पिछली बार जो RRB चंडीगढ़ है उससे प्री की जनरल की 77 कट ऑफ गई थी, तो इस बार इससे तो ज़्यादा जाएगी, ये बात तो कंफर्म है। उसके बाद OBC की लगभग 74 के आसपास गई थी, तो कट ऑफ में आपको कम से कम जनरल से हो तो 80+ नंबर आपके आने चाहिए। तो आप जो पहले जो जोर दे रहे हो CVT 2 पे, उसको ऐसा ना हो कि आप CVT 2 को ही प्रिपरेशन करते रह जाओ और आप CVT 1 में क्वालिफाई नहीं कर पाओ। क्योंकि CVT 1 में जो मेन कंपटीशन रहेगा आपका, वो रहेगा CVT 1 में, क्योंकि CVT 1 में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप CVT 2 के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। और CVT 2 से CVT 1 के एग्ज़ाम से CVT 2 की एग्ज़ाम तक आपको अच्छा खासा गैप मिल जाएगा, जिसमें आप CVT 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप जो जोर देना है आपको, वो देना है CVT 1 पे। उसके बाद अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हो या 15 घंटे पढ़ते हो, तो उसमें से कम सिर्फ 2 से 3 घंटे ही CVT 2 के लिए निकालिए, बाकी जितना भी टाइम है वो CVT 1 के लिए निकालिए। अगर आप क्वालिफाई हो गए, ऐसा ना हो कि आप CVT 2 की अच्छे से तैयारी कर लो और CVT 1 में क्वालिफाई ना हो पाओ, क्योंकि 80+ स्कोर करना भी कोई मतलब इतना आसान काम नहीं है कि यूं ही हो जाएगा। तो आपको CVT 1 पे ज़्यादा जोर देना अभी फ़िलहाल। उसके बाद CVT 1 की एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद आप CVT 2 पे जोर दे सकते हो। ठीक है, देखते हैं अब CVT 2 का क्या पैटर्न है। अब जो ये CVT 2 है, इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न दिया उसमें वही GK 15 नंबर की, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 नंबर की, वही 10th तक जो आप पिछली बार जो CVT 1 के लिए GK तैयार करोगे उसमें आपकी GK तैयार हो जाएगी। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री उसी में तैयार हो जाएगी। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर और एप्लीकेशन, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, अगर आपके पास टाइम है और छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। क्योंकि कुछ पोर्शन को वो कहते हैं ना सिलेक्शन, कुछ पोर्शन को छोड़ने से भी होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को चाहो कि सारी चीज़ों को मैं पढ़ लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। उतनी ही चीज़ों को पढ़ो जितना आप याद रख सको। तो बेसिक कंप्यूटर और जो एप्लीकेशन है, अगर इसको देखना चाहे देख लेना। उसके बाद जो बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन है, ये पढ़नी है। इसका बहुत ज़्यादा, ये जो बेसिक एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन है, ये तो आपका साइंस में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका टेक्निकल एबिलिटी है, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे।
तो जो ये 50 क्वेश्चन है ये तो आपका सीबीटी 1 से क्लियर हो जाएगा, जिसमें बस ये बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल है। तो ये आपका जो ये टेक्निकल की पढ़ाई करोगे 100 क्वेश्चन, इसमें ये आपका पोर्शन आसानी से कवर हो जाएगा। उसके बाद इसमें 100 क्वेश्चन जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी, लगभग आपके 90% क्वेश्चन तो 11th और 12th से आ जाएंगे। उसके बाद जो कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है वो आपके बीएससी लेवल के आएंगे, बस इतना ही है। ये आपका 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे, आपकी टाइमिंग 120 मिनट रहेगी, यानी 2 घंटा रहेगी। अब इसकी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो इसमें जो सीबीटी 2 में टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे मेन, इसकी तैयारी करनी है। तो इसकी जो 11th 12th की आपकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बुक है उसमें से सबसे पहले आप इसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस में इसका मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूँगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे आप देख लेना। तो उसमें जो सबसे पहले देखिए कि जो टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक के अंदर जो पार्ट अपन को पढ़ना है सिर्फ वो ही पढ़ना है। ऐसे नहीं 11th 12th की बुक निकाली और शुरू से स्टार्ट हो गए, सिर्फ अपन को जिसकी ज़रूरत है वो ही टॉपिक पढ़ने हैं, उसके अलावा नहीं पढ़ना। तो आप 11th 12th की अगर पढ़ोगे तो आपको सफिशेंट है। उसके बाद जो इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल आते हैं वो लगभग आपको 10 से 15 न्यूमेरिकल वहाँ देखने को मिलेंगे इसमें टेक्निकल पार्ट में। और जो न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल आते हैं, बस छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपका लाइट से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गया, उसके बाद आपका जो क्या नाम है जो रेजिस्टेंस है उससे रिलेटेड आ गया। तो ऐसे छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल हैं वो ही न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसा कोई बहुत बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आते। तो कम से कम 10 से 15 न्यूमेरिकल आएंगे। और जो 11th 12th की आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, आपको सफिशेंट है। उसके बाद भी मैं कुछ नोट्स जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर डाल दूँगा, एक बुक है उसमें से भी मैं PDF बना के उसको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और कोई भी प्रॉब्लम हो टेक्निकल से रिलेटेड तो आप हमें बताइए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये ठीक है, बस इतना ही अभी तो फ़िलहाल CBT 1 पे आप जोर दीजिए, CBT 2 पे बस थोड़ा टाइम दीजिए, आपको सफिशेंट टाइम मिलेगा जिसमें आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।